बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू को तैयार हैं। आर्यन ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है, जिसके बाद से उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल आर्यन खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पोस्ट में आर्यन ने एक तस्वीर शेयर की है। फोटो में टेबल पर रखी स्क्रिप्ट पर आर्यन का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही फोटो में रेडचिलीज एंटरटेनमेंट का नाम भी दिख रहा है। आर्यन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, राइटिंग पूरी कर ली है, एक्शन कहने का इंतजार नहीं कर सकता। आर्यन के पोस्ट पर उनकी मां गौरी खान ने कमेंट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कांट वेट टू वॉच। वहीं शाहरुख खान ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, वाओ, थिंकिंग बिलीविंग ड्रीमिंग डन, नाउ ऑन टू डेयर, विश यू द बेस्ट फॉर द फर्स्ट वन, इट्स ऑलवेज स्पेशल। जम्मू एवं कश्मीर में ग्रेनेड हमले के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह हमला मंगलवार देर शाम जम्मू के सिद्रा इलाके में पुलिस चौकी के पास हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विस्फोट पुलिस भवन के बाहर हुआ। सूत्रों ने बताया कि विस्फोटक स्थल से ग्रेनेड का लीवर बरामद किया गया है। विस्फोटक के कारण कोई हताहत की बात सामने नहीं आई है। सूत्रों ने कहा कि घाटी के बड़गाम जिले में 2018 में आतंकवादियों द्वारा इसी तरह के ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही घाटी में स्पेशल ऑपरेशन ट्रूप्स के साथ बड़े पैमाने पर घेराबंदी शुरू कर दी है। गौरतलब हो कि अगस्त में भी आतंकियों ने रामबन के गूल इलाके में पुलिस पोस्ट इन पर ग्रेनेड हमला किया था। हालांकि ड्यूटी पर तैनात संतरी की सतर्कता के कारण हमले को नाकाम कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और फ्लोर लीडर से सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने देने और सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की अपील करते हुए बुधवार को कहा कि सदन के अंदर हो हल्ला और स्थगन से सांसदों का नुकसान होता है। विपक्षी दलों के कई सांसद भी उनसे अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। इस सत्र में एक और भी सौभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। उनका यह पहला सत्र होगा। सदन के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सदन के फ्लोर लीडर से ये आग्रह करेंगे कि वो वर्तमान संसद के बचे हुए कार्यकाल के दौरान नए सांसदों के उज्जवल भविष्य और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी के लिए नए सांसदों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें। पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। आगे उन्होंने कहा कि नए सांसदों की यह शिकायत रहती है कि सदन में हो हल्ला और स्थगन की वजह से जो वो सीखना या समझना चाहते हैं उससे वंचित रह जाते हैं। विपक्ष के सांसद भी यही कहते हैं, इसलिए इन सांसदों की वेदना को समझना जरूरी है। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और फ्लोर लीडर से सदन को सुचारू रूप से चलाने और सदन में चर्चा करने की अपील करते हुए कहा कि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अमृतकाल में चल रहा है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहाँ सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है। और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है।
मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए बुधवार को आरबीआई ने रेपो दर में 35 बीपीएस की बढ़ोतरी की। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो 0.35% और बढ़ाकर 6.25% करने का फैसला किया है। बता दें कि आरबीआई ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मुद्रास्फीति को काबू में लाने के मकसद से ये कदम उठाया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है। यहां आपको बता दें कि रेपो रेट में वृद्धि का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ेगी। यहां यह समझना जरूरी है कि रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा। बता दें कि इसके बाद आपके लोन की ईएमआई में इजाफा होने वाला है और आपके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के कर्ज की दरें बढ़ती हैं, जिसका असर ग्राहकों पर आ जाता है। Is in the policy repo rate by 35 basis points. The standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 6%, and the marginal standing facility rate and the bank rate to 6.5%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम एक और चुनौतीपूर्ण साल के अंत में आ गए हैं और देश में ही नहीं दुनिया के कई देशों में महंगाई दर बढ़ती देखी गई है। देश में सप्लाई चेन की स्थिति को ग्लोबल जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के कारण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ लगातार 8 महीनों में 2.5 अंकों से ऊपर आ रही है, जबकि महंगाई दर ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है। एमके वेल्थ के शोध प्रमुख के जोसेफ थॉमस ने रेपो रेट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आईएनएस को बताया, रेपो दर में 35 बीपीएस की बढ़ोतरी से आधार दर 6.2525% हो जाती है। यह अल्पावधि दरों को अधिक बढ़ा देगा। उम्मीदों के अनुरूप लेकिन मुद्रास्फीति के बेहतर दृष्टिकोण को देखते हुए समग्र रूप पहले के नीतिगत घोषणाओं की तुलना में अपेक्षाकृत मध्यम दिखता है। वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस साल के लिए अभी महंगाई दर का तय लक्ष्य दूर है। हालांकि अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर में कमी देखी गई है। वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर 6.7% रहने का अनुमान है। बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट शालीन भनोट और सौंदर्या शर्मा हाल ही में एक ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गए। दरअसल सौंदर्या बाथरूम में नहा रही थी और बाथरूम को लॉक करना भूल गई थी। इसी दौरान शालीन भी बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सौंदर्या चौंक जाती है और चिल्ला पड़ती है। सौंदर्या की आवाज सुनकर शालीन तुरंत बाथरूम से बाहर आ जाते हैं और माफी मांगते हैं। शिव ठाकरे, जो कि मौके पर मौजूद थे, यह देखकर सौंदर्या की चुटकी लेने से नहीं चूकते। बिग बॉस 16 कलर्स पर ऑन एयर होता है। आईएनएस रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.